हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इज फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज जैक बोर्ड। एंड एज पर योर रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू टीच दिस लेसन इन हिंदी एट फर्स्ट and then in English. So please don't skip the video. You must have to watch fully so that you can have clear meaning, clear explanation of the movement, non-cooperation movement. Okay? So come on guys, let's start. प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन, जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं, असहयोग आंदोलन हमने देखा, रॉलेट एक्ट लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, काला कानून, साम्राज्यवादी कानून लागू किया गया। गांधी जी ने उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह किया, तो जुल्म का सहारा लिया अंग्रेजों ने, सारे नेताओं को जेल की काली कोठरी में बंद कर दिया गया और जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरन यूरोप में ले जाकर युद्ध में फंसा दिया गया था, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे और देश में भी स्थिति और खराब कर दी गई। युद्ध के बाद वादा खिलाफी किया अंग्रेजों ने, कोई सुधार कार्य नहीं किया, उल्टे रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून लागू कर दिया गया और विरोध करने पर नेताओं को न सिर्फ जेल में ठूसा गया बल्कि गोलीबारी करके, हमने देखा, जालियांवाला बाग जैसा नरसंहार को अंजाम दिया गया। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई 5 सितंबर 1920 को, कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, वहां पर सहमति बनी कि हम लोग सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे जब सरकार हम लोगों के साथ ऐसा विश्वासघात कर रही है? तो अंग्रेज सरकार को सपोर्ट न करें और एक आंदोलन चलाएं, असहयोग आंदोलन। ऐसी सहमति 5 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में बनी और फिर दिसंबर नागपुर में 1920 ईस्वी में ही दिसंबर में नागपुर में सेशन था, कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था, मीटिंग था, वहां पर गांधी जी ने रिजोल्यूशन पास करवाया, प्रस्ताव पास करवाया असहयोग आंदोलन शुरू करने का और जनवरी 1920 में असहयोग आंदोलन देश में शुरू हो गया। इस असहयोग आंदोलन में अपील किया गया छात्रों के द्वारा, छात्रों से कि वो स्कूल न जाए, वकीलों से कि वो वकालत करने के लिए न जाए, कोर्ट छोड़ दें, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाए, हर तरह का बहिष्कार आंदोलन ये एक प्रकार का बन गया और पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, जुलूस बड़े पैमाने पर निकाला गया। ऐसा माना जाता है कि 396 हड़ताल हुआ, मजदूरों ने भी हड़ताल किया, मिल में जाना बंद कर दिया, लाखों लाख रुपया सरकार का नुकसान हुआ। और तो और, ऐसा माना जाता है लगभग 396 हड़ताल 1921 ईस्वी में हुआ पूरे देश में। अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई, अंग्रेज सरकार डर गए। परंतु इसी समय एक बड़ा अनहोनी हो गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे आंदोलनकारी, अंग्रेज पुलिस ने फायरिंग कर दिया, गोलीबारी कर दी, भीड़ उत्तेजित हो गई और उत्तेजित होकर थाने को घेर कर थाने में आग लगा दी। भीड़ ने 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, उनका आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन था, उनको लगा कि आंदोलन का मूल स्वरूप खत्म हो रहा है और फिर उनको यह भी लगा कि अंग्रेज बदला लेंगे इस घटना का। 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहीं उसकी पुनरावृत्ति न कर दे अंग्रेज सरकार,
इसलिए गांधी जी ने तत्काल, ये 5 फरवरी को ये घटना हुई, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, सेशन था, वहां पर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने का निश्चय लिया पूरे देश में और उपवास पर चले गए। डियर स्टूडेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रूव्स अ माइलस्टोन, वेरी वेरी इफेक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। एज वी नो द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्रूटेड ए लॉट ऑफ इंडियंस विलेजर्स इन इंग्लिश आर्मी एंड टूक दैम टू द बैटल फील्ड इन यूरोप, मैनी ऑफ दैम वेयर किल्ड, द इंडियंस वेयर वेरी एंग्री। ऑन द अदर हैंड द इंडियन फार्मर्स वेयर इम्पोज हैवी टैक्सेस, अ मोर इवर रॉलेट एक्ट वॉज पास एंड इंप्लीमेंटेड इन इंडिया विच वॉज अ ब्लैक एक्ट। वेन रॉलेट सत्याग्रह वॉज लॉन्च द ब्रिटिश रूलर्स टुक हार्शेस मेजरमेंट टू कंट्रोल रॉलेट एक्ट, मैनी फ्रीडम फाइटर्स वेयर जेल इम्प्रिजन, मैनी वेयर गन डाउन, जालियांवाला बाग मैस्केरेड टुक प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर आउंडेड, द होल कंट्री वॉज इन एंगर। इन दिस सर्कमस्टेंसेस गांधी जी कैच द एंगर ऑफ इंडियन पीपल एंड लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एट फर्स्ट 5 सितंबर 1920 कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, एन एग्रीमेंट वॉज पास टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स इन दिसंबर 1920 नागपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन वॉज पास फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इन जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च। फॉर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ होल कम्युनिटी गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, इन रिटर्न द मुस्लिम सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वी आर लॉन्चिंग टूगेदर एंड सस्टेन्ड टूगेदर। इट वॉज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन इंग्लिश रूलर्स, स्ट्राइक्स धरना प्रोसेशन डिमोन्स्ट्रेशंस वे आर अरेंज ऑल ओवर द कंट्री, द ब्रिटिशर्स वे आर वरीड, दे डिड नॉट हैव एनी होप टू सर्वाइव द एम्पायर इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली एट चोरा चोरी इन गोरखपुर द पीसफुल प्रोसेशन was provoked by the British forces. They fired at the crowd and the crowd became violent. They burned 22 policemen in the police station by setting fire. Gandhiji became worried. The nature of Satyagraha was broken. He was also worried that the English rulers would take revenge and would make the incidents like Jallianwala Bagh. So suddenly the Congress meeting was called on 12 February 1922 at Bardoli, Indian National Congress session was started where Gandhiji called off the movement
suddenly and go on fasting for rip to the burnt soldiers or policemen. In this way, the movement was called off, but this movement shook the power of English rulers. After 1857, it was a great movement. I hope you will be benefited by this lesson. Thank you so much.